नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार और पॉलिटिकल ड्रामा होना है। मैं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले शेयर करने जा रहा हूं। राजद अब राज्यसभा सीट पे अपना प्रत्याशी उतारेगा। आपको पता होगा कि रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली पड़े इस सीट पर सबसे पहला दावा लोजपा की ओर से किया जा रहा था। लोजपा का कहना था कि इस सीट पर रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन भाजपा और जदयू इसके लिए राजी नहीं हुआ और इस सीट पर भाजपा ने सुशील मोदी का नाम तय किया है, सुशील मोदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजद की ओर से भी इस सीट पर प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही है। गणित का अगर हिसाब लगाइएगा, जो विधानसभा में सदस्यों का गणित है उसके अनुसार इस सीट पर अभी महागठबंधन दूर है कुछ अंकों से, लेकिन महागठबंधन जो है अपना प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है। कि महागठबंधन की ओर से जगदानंद सिंह या अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम चर्चा में आ रहा है। अब हम आपको समझाते हैं कि राजद का क्या गणित है, क्या गणित हो सकता है, ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। राजद महागठबंधन का 125 सीट है, दूसरा 110 महागठबंधन का है, आप सभी को पता है, लेकिन महागठबंधन को 5 AIMIM का समर्थन प्राप्त है। एक जो निर्दलीय है वो अभी भाजपा के साथ है, मतलब कि NDA के साथ है, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि मंत्री पद का ये और प्रलोभन या फिर किसी तरह वो उन्हें अपने पक्ष में कर लेगा। दूसरा लोजपा इस पे हो सकता है कि नाराज होने के कारण वो इस पे अपना सीट दे दे, लोजपा जो है महागठबंधन को साथ दे दे, तो इसके हिसाब से 18 हो रहा है। अगर हम इन सब चीज़ को 18 1 19 सीट हो रहा है, 10 5 15 और एक लोजपा का अगर समर्थन मिलता है तो 16 और एक निर्दलीय है उसका भी समर्थन मिल सकता है, तो 17 सीट इसको मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका दबदबा भारी है NDA का और उम्मीद किया जा रहा है कि सुशील मोदी वहाँ राज्यसभा में चले जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जो राजनीति हुई लालू का ऑडियो वीडियो हो और जिस तरह से गोलबंदी की गई विधायकों का, ऐसी कयास लगाई जा रही है कि राज्यसभा में भी इसी प्रकार का कुछ होगा। लोजपा भी खुलकर अपने स्तर से महागठबंधन में NDA के प्रत्याशी सुशील मोदी को हराने के लिए कवायद कर सकती है। इधर महागठबंधन पहले से ही अपने ताना बुना बुन चुका है और एक चीज़ कि गुप्त मतदान से होना है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, तो हो सकता है कि सुशील मोदी को राज्यसभा में कड़ी टक्कर का अपने इस सीट पर कड़े टक्कर मिलेंगे महागठबंधन की ओर से। तो अभी हमारे पास ये एक बड़ी सूचना आई, सोचा मैं आप लोगों के साथ राजनीति से जुड़ी हुई खबर है इसलिए शेयर कर दूं। उम्मीद है ये यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार।